नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ ट्रेडिंग करने के सही तरीके के बारे में। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग तो करते हैं बट उनका तरीका बिल्कुल गलत है, चाहे मार्केट में वो बिगिनर हैं चाहे उनको ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज की वीडियो में बताऊँगा ट्रेडिंग कैसे की जाती है, किस किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों ये है कि आप जब मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग कितने बजे करते हैं? हम 9:15 बजे ट्रेडिंग करते हैं, 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है। तो वहाँ पे आप थोड़ी बहुत गलती ये कर पाते हैं कि खुलते बाजार में आप बिल्कुल ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। खुलते बाजार में कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं लेना। हाँ, अगर कोई पैटर्न कन्फर्म्ड है, आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, कोई पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है जिसमें कोई ब्रेकआउट आ चुका है या ब्रेकडाउन आ गया है तो आप ट्रेड बनाइए, वो एक अलग बात है। बट ऐसा नहीं है कि खुलते बाजार में मार्केट थोड़ा सा ऊपर मिला तो बाइंग बना लिया, मार्केट एकदम से गिरा तो सेल कर बना लिया, तो वो उसको हम ट्रेडिंग नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सट्टेबाजी। जो होता है ना, जो सट्टे लगाता है, जो सट्टा जो होता है कि इसको पसंद है कि हर मार्केट की जो भी चाल है उसमें कोई ना कोई ट्रेड बनाए, वो हमेशा दोस्तों मार्केट में नुकसान करता है। तो आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, खुलते बाजार में विदाउट एनी पैटर्न अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े सट्टेबाज हैं, इस चीज़ का ध्यान रख लें। अगर आप अपने आपको ट्रेडर बोल रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा ट्रेडर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रेड कैसे करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ट्रेडिंग करने का कोई टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड 9:15 बजे बनाना है, 9:30 बनाना है, 10 बजे बनाना है। काफ़ी लोग गलती करते हैं, कहते हैं जी मैं तो 10 बजे के बाद ट्रेड बनाता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं जी मैं तो 10 बजे से पहले ट्रेड बनाता हूँ। कोई कहता है जी मैं 12 बजे के बाद ट्रेड बनाता हूँ जब मार्केट सेटल हो जाती है। कोई कहता है जी मैं 2 बजे के बाद ट्रेड बनाता हूँ। ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग का कोई टाइम नहीं होता, ट्रेडिंग का एक तरीका होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कैसे, अब मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे ये बोर्ड पे हम समझेंगे इस चीज़ को। देखिए क्या होता है, आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, और होता क्या है कि जब भी कोई मार्केट में पैटर्न बनता है, एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट इस तरीके से क्या है बिहेव कर रही है, मैं थोड़ा सा देखो उसमें टेक्निकल एनालिसिस ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा आपको कि मैं आपको बताऊँ कि भैया बाय करो, स्टॉप लॉस छोटा रखो, टारगेट को राइड करो, मैं उस तरीके की बात नहीं करूँगा, किताबी ज्ञान की बात नहीं करूँगा मैं। यहाँ मैं बात करूँगा एक्चुअलिटी की, जो रियलिटी है मार्केट की, जिस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड बनाते हैं उस तरीके की बात करूँगा। बट इसके लिए आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली प्राइस होता है, प्राइस का बिहेवियर होता है जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। हम इसमें चार्ट पैटर्न पढ़ते हैं, इसमें हम इंडिकेटर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें साइकोलॉजी भी होती है, इसमें डिमांड सप्लाई भी होता है, इन सारी चीज़ों का जो मिश्रण होता है उसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अगर आप प्राइस की स्टडी करना चाहते हैं। तो प्राइस की स्टडी के लिए बेसिकली क्या होता है कि आपको प्राइस को पढ़ना पड़ता है। तो प्राइस को पढ़ने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखना पड़ता है और कैंडलस्टिक में आपको पैटर्न्स देखने पड़ते हैं। तो पैटर्न्स एग्जांपल के तौर पर आपने देखा कि भैया एक डाउन ट्रेंड में आपको एक हैमर दिखाई दिया। जब आपको एक हैमर दिखाई देता है तो क्या होता है कि डाउन ट्रेंड के कुछ लॉजिक्स होते हैं जिसको आपको रीड करना होता है। वो सारा ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है, वो हमने ऑनलाइन कोर्स में सबको समझाया हुआ है कि डाउन ट्रेंड में बनता है, इसमें 20 कैंडल्स होती हैं, इसके साथ साथ हमने बताया है कि हैमर का लो कितना होना चाहिए, हैमर का साइज कितना होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए, बुलिश का हाई कटता है तो आप क्या करते हैं अपनी पोजीशन बाय में बनाते हैं। जब ये बाय में बनाते हैं पोजीशन, क्या कब बनाते हैं, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे आपने 230.50 रुपये के ऊपर कोई पोजीशन बाय में बनाई और आपका जो स्टॉप लॉस था वो था 227.10 रुपये का। तो आपने क्या करा, यहाँ पे ये जो तरीका है बिल्कुल सही है क्योंकि आपको आपका क्या पता है, स्टॉप लॉस पता है। जो ट्रेडर ट्रेड करते समय जब कोई ट्रेड बना लेता है और ट्रेड बनाने के बाद उसको ये नहीं पता होता कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सट्टेबाज बोलेंगे, उसको भी हम ट्रेडर नहीं बोलेंगे। जिसने कोई ट्रेड बनाया और ट्रेड बनाने के बाद उसको ये नहीं पता कि मैं पोजीशन से एग्जिट कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, इससे नीचे हूँ, किस लेवल पे हूँ, तो वो भी ट्रेडर नहीं होता, उसको भी हम बोलते हैं सट्टेबाज। आप ट्रेडर हो यहाँ पे और आपने पैटर्न देख के ट्रेड बनाया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पता चला, आपको आपका स्टॉप लॉस पता चला। पहला क्या है, स्टॉप लॉस है। फिर जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट में जितना भी डिफरेंस होता है उतना ही आप क्या लेते हैं, 1:1 या 1:1 का टारगेट लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टॉप लॉस निकाला और उसके बाद आपने क्या निकाला, टारगेट निकाला। वो बात अलग है टारगेट आपका आया या नहीं आया या स्टॉप लॉस कटा, बट एक्चुअल में आपको ये पता चल गया कि मुझे बाइंग कब करनी थी, क्या मेरा स्टॉप लॉस था और कहाँ पे मैं क्या अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूँ या फिर मैं इसको राइड कर सकता हूँ। तो ये ट्रेडिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हैमर का, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं मॉर्निंग स्टार भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप पियर्सिंग पैटर्न भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं,
इन्वर्टेड हैमर भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे आपको बुलिश हरामी पैटर्न भी दिख सकता है, यहाँ पे आपको ट्विजर बॉटम भी दिख सकता है। इतने सारे पैटर्न्स आपको मिल सकते हैं जो कि डेली बेसिस पे या फिर इंट्राडे में आपको ज़्यादातर दिखाई देते हैं, जो कि रिवर्सल के पैटर्न्स होते हैं। ये बॉटम पे है और टॉप पे वहीं पे आपको इवनिंग स्टार, यहाँ पे डार्क क्राउड कवर, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एरेमी, साथ साथ बोलना चाहूँगा ट्विजर टॉप, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड बनाते हैं। दूसरा जो तरीका है ट्रेडिंग करने के, सही तरीके की बात करूँ दोस्तों, वो है कि जब आप कोई ट्रेड बनाते हैं तो वहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में हर लेवल पे बनते हैं, ये भी ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है, ये हमने ऑनलाइन कोर्स में समझाया हुआ है। बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किस तरीके से यूज़ करना है और इंडिकेटर का यूज़ उसके साथ किस तरीके से करना है, ये भी दोस्तों एक पार्ट है एक ट्रेडिंग के सही तरीके के बारे में। हालांकि मैं आपको कोई 10 मिनट की वीडियो में ये नहीं बताने वाला, पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपको 10 मिनट में नहीं बताने वाला कि 10 मिनट में आप कैसे ट्रेड करके पैसा कमा लेंगे, जैसे बहुत सारी वीडियो में देखते हैं ना कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप कैसे करोड़पति बने, कैसे अपनी एक्यूरेसी 90% कर ले, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं आपको कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी बताने नहीं वाला, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रोसेस बताने की। जब आप प्रोसेस में बेटर होंगे तब आप स्ट्रेटजी मेकर बन सकते हैं, जब तक आप प्रोसेस नहीं बना पाएंगे तब तक स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तो प्रोसेस सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप दोस्तों आगे स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ और ट्रेडिंग करने के उस तरीके की बात कर रहा हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस का यूज़ कैसे करना है, क्या रेजिस्टेंस के ऊपर कोई डबल टॉप पैटर्न तो नहीं बन गया, आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करके बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है बट इसने क्या करा, डबल टॉप बनाया और यहाँ से मार्केट गिर गया और आपने चेक ही नहीं करा नीचे तो क्या थे, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना है तो कैसे, कौन किस तरीके की कैंडल बन रही है, क्या उसमें मोरूबोसो कैंडल बन रही है और क्या नीचे कोई डाइवर्जेंस तो नहीं दिखाई दे रहे, इन सारी चीज़ों का क्या है आपको ध्यान रखना होता है। टेक्निकल एनालिसिस या फिर ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि दो लाइनें देखी आपने, इस लाइन ने इस लाइन को काटा तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, इस लाइन ने इस लाइन को काटा तो मैं सेल कर लूँगा, ये टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस में आपको कुछ पैटर्न्स देखने पड़ते हैं, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करें वैसे ही आप डबल टॉप देख सकते हैं, डबल बॉटम देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें करो ट्रेंड लाइन का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से यहाँ पे काम करा रही है और ट्रेंड लाइन के नीचे जब कोई पैटर्न बनता है तो आप किस तरीके से ट्रेड बनाते हैं और यहाँ पे आप ब्लॉफ पैटर्न का किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये ट्रेडिंग करने के बिल्कुल सही तरीके हैं और इन तरीकों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई 10 मिनट में मैं आपको पूरा टेक्निकल नहीं सिखाने वाला, फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं तरीके की बात कर रहा हूँ और तरीका वो होता है जिसमें आपको आपका एसएल पता हो और आप विदाउट ट्रेड कोई ट्रेड ना करें। देखो विदाउट पैटर्न कोई ट्रेड ना करें, विदाउट पैटर्न जब भी आप कोई ट्रेड करेंगे तो नुकसान के चांसेस ज़्यादा होंगे। ज़्यादा किसी को फॉलो भी ना करें, फॉलो कोशिश करें अपने आप को करें। क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी को फॉलो करते हैं, देखो क्या आप ट्रेडर हो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप सबसे पहले बिजनेस चैनल लगा लेते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं जी ये खरीद लो वो बेच लो, जब वो कहते हैं खरीद लो तो प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 230 रुपये का रेट था, जैसे किसी एनालिस्ट ने बोला खरीदो तो जैसे ही आप खरीदने वाले थे तो आपको 233 रुपये पे मिला, आपने बोला ये सही बोल रहा है, उस एनालिस्ट ने बोला है कि ये खरीदो और एकदम से बढ़ गया तो वो एनालिस्ट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब किसी एनालिस्ट ने बोला कि स्टॉक को खरीदो तो ऐसा नहीं है कि ये वो स्टॉक एकदम बढ़ गया, उसको खरीदने वाले काफ़ी लोग आ गए थे तो हुआ क्या, उसमें वॉल्यूम बना, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम क्रिएट होने की वजह से वो स्टॉक क्या 233 तक चला गया, आपने सोचा वो एनालिस्ट बिल्कुल अच्छा है, वो ऐसी बात नहीं है। वो क्या हुआ कि हो सकता है आप भी टीवी पे आके किसी स्टॉक के बारे में बताओ कि भैया फलाना फलाना स्टॉक खरीद लो और एकदम से वो स्टॉक एकदम बढ़ जाएगा, तो आप सोचोगे अरे मैंने कहा था ये स्टॉक इसलिए बढ़ गया, ऐसा नहीं है भाई। आपने आपके कहने से नहीं हुआ, वो आपने बोला तो काफ़ी लोगों ने रिटेलर्स ने बाइंग करा, तो बाइंग करा तो क्या हुआ, डिमांड की रेट हुई, डिमांड की रेट हुई तो प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वो उन लोगों की वजह से हुआ है, वो आपकी वजह से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एकदम से 233 रुपये हो गया और आप क्या करते हैं, और उन्होंने टारगेट दिया हुआ है 240 रुपये का, अब आपको लगा 233 चला गया तो 240 भी जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, बाय कर लेते हो और एकदम से प्राइस क्या नीचे गिर जाता है और आप कहते हो यार मैंने खरीदा वही हाई था, ऐसा कैसे हुआ, लग रहा है मेरी किस्मत ख़राब है। कहना चाहूँगा इसमें किस्मत का दोष नहीं है, आपने वहाँ बाय नहीं करा था, आप जैसे काफ़ी लोगों ने वहाँ बाय करा था इसलिए वो क्या हुआ ट्रैप हो गए। ये सारा पार्ट, ये सारी चीज़ें
हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में सिखाया हुआ है। ऑनलाइन कोर्स में हमने बताया है कि डिमांड सप्लाई क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, रिटेलर को ऑपरेटर किस तरीके से बेवकूफ बनाता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में समझाई हुई है। इसलिए कहता हूँ कि ट्रेड कर रहे हैं ठीक है, ट्रेड करिए, बट सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कहना चाहूँगा आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट पर आप विजिट जरूर करिएगा दोस्तों। वेबसाइट में आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिल जाएगा, जिसकी फीस दोस्तों 7,999 रुपये है। 7,999 रुपये फीस है टेक्निकल एनालिसिस की। इसको सीख के आपको पता चल जाएगा कब बाय करना, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ब्लॉफ पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक किस तरीके से काम करता है, डिमांड सप्लाई क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस का बिहेवियर क्या है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, डायरेक्शन ट्रेडिंग कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। और कहना चाहूँगा ये कोर्स काफ़ी एडवांस है, प्रोडक्शन हाउस से शूट कराया हुआ है, और जो हमारी एक्यूरेसी आती है मार्केट में 70-80% की, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगी। ये जरूर ज्वाइन करिए, और अगर ये ज्वाइन करते हैं दोस्तों बेनिफिट आप ही को होगा। साथ साथ कहना चाहूँगा इसके साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, और चाहे तो टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो भी ले सकते हैं, बट मैं कहना चाहूँगा अगर आप मार्केट में नए हैं तो टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करिए। इसमें आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, संडे के वेबिनार्स मिलेंगे, कोई डाउट है कोई क्वेरी है मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मीटअप भी हम करते हैं, साल में एक बार मीटअप भी करते हैं। तो सपोर्ट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, और पीडीएफ फाइल मिलेगी, डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो, सब कुछ सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कहना चाहूँगा सीख के ट्रेड करिए, ट्रेड करना बुरा नहीं है, बट विदाउट नॉलेज अगर आप ट्रेड करेंगे तो नुकसान के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।